सुजानगढ़ सूचना में आपका स्वागत है। गांधी आश्रम के अध्यक्ष सुभाष बेदी ने लॉकडाउन के दौरान जरूरतमंदों को सब्जी का वितरण किया। सम्राट होटल क्षेत्र के आसपास करीब 2 क्विंटल सब्जी का वितरण जरूरतमंदों को किया गया। इस दौरान देवेंद्र बेदी, मोनू बेदी भी उनके साथ मौजूद रहे। इसी प्रकार पूर्व पार्षद व भाजपा नेता रतनलाल नायक व उनके भाई रूपाराम नायक ने अपने यहाँ काम करने वाले लोगों को राशन के किट प्रदान किए हैं। रतनलाल नायक ने बताया कि उद्योग धंधे चलाने वाले लोग अगर अपने कर्मचारियों को इस समय सहायता नहीं देंगे तो काम कैसे चलेगा। उन्होंने दिल्ली में से लोगों के पलायन व लोगों को काम से निकाले जाने को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। आप भी देखिए किस प्रकार से जरूरतमंदों की मदद की गई और बने रही है ताज़ा खबरों से अपडेट रहने के लिए सुजानगढ़ सूचना के साथ। आम जनता से मेरी अपील ये है कि वो देश को बचाना है तो अपने आप को सुरक्षित करना होगा, अपने परिवार को सुरक्षित करना होगा और घर में रह करके कोरोना का मुकाबला करना होगा। आज के दिन मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से गुजारिश करूंगा कि उन्होंने जो कदम उठाया है वो सराहनीय है, लेकिन अभी हिंदुस्तान के पूंजीपति घराने और उद्योग के घराने जो हैं वो अभी खुल करके साथ नहीं आए हैं। इसलिए नहीं आए कि आपने अभी तक इनकम टैक्स के बारे में कोई बात नहीं की और इनकम टैक्स की क्या छूट होगी और बड़े घरानों की मदद के ऊपर आप उनको क्या छूट देंगे। दिल खोल के बात करें और पूंजीपतियों के घरानों को दिल खोल करके आगे लें। हमारा हिंदुस्तान भामाशाह और दानवीरों से खाली नहीं है। यदि आप हिंदुस्तान के दानवीरों को आगे लाएंगे तो आपकी खुल करके मदद करेंगे और सैकड़ों करोड़ों रुपए आपके पास आएंगे और गरीब भी एक भी भूखा नहीं रहेगा। मैं छोटी मोटी बात नहीं करके मैं सब स्टेटों के लिए गुजारिश करता हूं कि आप अपने भंडारों को खोल दें। आप जो धानों के जो अनाज के स्टोर हैं उनको खोल दें। ये समय बार बार नहीं आएगा। मोदी जी, दुनिया आपको याद करेगी। अभी तक कागजों में प्लान चला है, 7 दिन हो गए, अभी समस्या मुंह पर खड़ी है। राजस्थान के मुख्यमंत्री ने आपसे मांग की है कि सब हिंदुस्तान के स्टेटों को पैसा दिया जाए, तो अपने दिल को विशाल हृदय करके हिंदुस्तान के गरीब की मदद करें। आज रोडों पे लोग बाग गरीबी के मारे बैठे हैं, भूख प्यास से बैठे हैं, अपने स्टेटों में नहीं जा पा रहे हैं, तो इस भीड़ से कोरोना बढ़ सकता है। इसलिए कोरोना कोई छोटी मोटी बीमारी नहीं है। मैं ये मानता हूं कि आप ही समझ पाए हैं, इसलिए आपने 21 दिन का लॉकडाउन किया है। ये लॉकडाउन 21 दिन का नहीं, आपको आगे और बढ़ाना पड़ेगा। दवाइयों का इंतजाम करना पड़ेगा, पैसों का इंतजाम करना पड़ेगा, खाने पीने का इंतजाम करना पड़ेगा। और आज के दिन रामविलास पासवान से मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ, अपील करना चाहता हूँ कि वो SC ST से बिलोंग करते हैं। हिंदुस्तान का गरीब आज मुंह पर खड़ा है, हिंदुस्तान का गरीब आज भूख से लड़ रहा है। इसलिए मिस्टर रामविलास जी पासवान आप आगे आएँ, गरीबों की मदद करें, अपने समाज की मदद करें। हिंदुस्तान आपसे जवाब मांग रहा है कि पासवान जी, आपके पास खाद्य विभाग है, गरीब मुंह पर भूख से खड़ा है, इसलिए आप खुल करके मदद करें, विशाल हृदय से मदद करें। और अशोक गहलोत ने ये कहा है कि मोदी जी, मैं आपके साथ हूँ। मैं राजस्थान के लिए निवेदन करता हूँ कि आप अशोक गहलोत को साथ लेकर के काम करेंगे। हम ये संकल्प लेते हैं कि राजस्थान सबसे आगे प्रदेश रहेगा। ये झांसी की रानी का देश है, ये महान शक्ति और महिलाओं का देश है, ये आगे रहेगा, आपके कंधे से कंधा मिला करके साथ रहेगा। आज पार्टियों की बात करने का समय नहीं है, आज एक महायुद्ध महामारी का युद्ध है। इसलिए हम सब लगभग एक होकर के बात करें और हिंदुस्तान की जनता को बचाएं। ये आपका नारा जो है, हिंदुस्तान बचाओ का जो नारा है, मैं ये शुभकामना करता हूं कि ये सफल हो और आपका कदम 21 दिन का जो लॉकडाउन है ये भी सफल हो। कोरोना भागे मोदी जी आगे, कोरोना भागे मोदी जी आगे। मैं ये आह्वान करता हूँ मोदी जी से कि आप कोरोना को भगाएं। जय हिंद, जय समाज को मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि जो दिल्ली में जो मजदूर वर्ग के लोग हैं वो प्लान कर रहे हैं भूखमरी के कारण, इसी कारण मेरा ये स्क्रैप का काम है, कबाड़ी का काम है। जैसे भी मेरे पास जो मेरे उपभोक्ता माल लेके गोदाम में आते हैं तो मैं उनका माल लेना मना कर देता हूँ, क्योंकि मैं कह रहा हूँ कि 14 तारीख तक मोदी जी के आदेशानुसार लॉकडाउन चल रहा है। देश में आपत्ता है, इस आपत्ता को सब भारतवासियों को एकजुट होकर इस आपत्ता को अपने को
दरकिनार करना है। ये बहुत बड़ा संकट है देश पे। एक एक योद्धा अपने घर में, एक एक जन अपने घर में रहेंगे और लॉकडाउन की पालना करेंगे। इसी उपलक्ष्य में मेरे पास ये शिकायत है कि मैं हम माल नहीं लेना चाहते हैं, तो उन्होंने क्या खाए क्या। इसी उपलक्ष्य में मैं जितने मेरे 15-20-30-50 मेरे कस्टमर है, उनको मैंने प्याज मसाला और आटा देके और उसको हमने सहायता की है।